सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज सेल्स इन सीसीटीवी कैमरा बिजनेस। सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस अगर आप करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सीसीटीवी कैमरा बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करें तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल के टिप्स बताऊंगा जिनसे कि आप अपनी सीसीटीवी कैमरा बिजनेस की सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो पॉइंट है वो है कोल्ड कॉलिंग। फ्रेंड्स कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? फ्रेंड्स कोल्ड कॉलिंग के अंदर आपको अपने ही लेवल पे साइट्स विजिट करनी होती है, अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करना होता है। फ्रेंड्स वो साइट्स कौन सी होती है इसका चुनाव आप खुद करते हैं, जहां जहां आपको लगता है कि यहां से आपको एक अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, एक अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है, आपको बिना किसी रेफरेंस या बिना किसी जानकारी के वहां पे विजिट करना होता है और वहां पे मीटिंग करनी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स वहां से क्या होता है, एक ऐसा करने से आपको आपका एक नेटवर्क क्रिएट होता है। फ्रेंड्स नेटवर्क क्रिएट होने पे आपको वहां से ऑर्डर मिलने स्टार्ट होते हैं जिससे कि आपकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ती है। वो फ्रेंड्स दूसरा जो तरीका है वो है कॉलिंग। फ्रेंड्स कॉलिंग के अंदर क्या करना पड़ता है कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको वो लिस्ट क्या होगी, उस लिस्ट पे आपने कॉल करनी होती है। कॉलिंग करके फ्रेंड्स आप ऑर्डर गेन कर सकते हैं कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा ये फर्म है और हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉलिंग में फ्रेंड्स इसका प्रोसेस क्या होता है, कॉलिंग के अंदर आपको एक लिस्ट बनानी होती है। जैसे कि आपने एक लिस्ट क्रिएट की हॉस्पिटल्स की, आपके शहर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप जो है गूगल से भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स उन नंबर्स पे जो है आपने कॉलिंग करनी होती है, तो इससे भी आपको ऑर्डर मिलने के चांस काफी होते हैं और इससे भी आपका जो सेल्स ग्राफ है वो इंक्रीज होगा। तीसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, तीसरा तरीका है सीसीटीवी स्टिकर्स। ये बहुत ही कमाल की जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर आपने काफी सारे हॉस्पिटल में या फिर काफी सारे आपने ऐसी फर्म देखी होगी या कि छोटे छोटे दुकानों में भी आपने देखा होगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आप एक स्टिकर बनवाइए, उस स्टिकर्स में जो है आप लिखवाइए ये चीज कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है एंड उसके नीचे अपना फर्म का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल दीजिए। फ्रेंड्स ये स्टिकर्स जो है आप वहां लगाइए जहां पे आप ऑलरेडी साइट्स कर चुके हैं, जहां पे आप साइट्स कर चुके हैं वहां पर जो भी पर्सन, क्योंकि देखो जहां पे हम साइट्स करते हैं ये है तो है नहीं कि भाई वो सभी के सभी घर ही होंगे। अगर घर में हम ये स्टिकर नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे थोड़ा अजीब सा लगता है, बट दुकानों पे भी हमारे सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगते हैं और भी बहुत सारी जगह है जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगते हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक दुकान के ऊपर शाम तक कितने लोग आते हैं, एक हॉस्पिटल में शाम तक कितने मरीज आते हैं, बहुत ही भीड़ रहती है वहां पर। तो वहां पर इस तरह के स्टिकर्स लगेंगे तो वहां से जो है हमारी जो मार्केटिंग होगी वो अपने आप ही होगी, उसमें हमें ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इजीली हमें जो है ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो ऑर्डर है वो इस तरीके से मिलेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके में एक अच्छी बात और है कि इसमें खर्चा भी बहुत ही कम है। फ्रेंड्स लगभग 1 या 2 रुपए में जो है एक स्टिकर बनता है और अच्छी खासी क्वांटिटी में आप जो है स्टिकर्स बनवा सकते हैं। अगर अच्छे स्टिकर्स बनवाना चाहते हैं तो 5 रुपए बन जाएगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है एक स्टिकर का। और बट ये है कि ये ऑर्डर आपको थोड़ा बल्क में देना पड़ता है, जैसे 500 या 1000 तक की आपको जो है क्वांटिटी होनी चाहिए स्टिकर्स की, तो अच्छे अच्छे लेवल पे जो है बहुत ही कम खर्चे में स्टिकर्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आप इन स्टिकर्स को वहां लगा दीजिए जहां पे आप साइट कर चुके हैं, जहां पे आप साइट कर चुके हैं वहां पे आप इन स्टिकर्स को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से ऑर्डर मिलने स्टार्ट होते हैं क्योंकि वहां पे पोटेंशियल अच्छा होता है। बट स्टिकर लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना कि वो साइट्स है कैसी, डोमेस्टिक साइट नहीं होनी चाहिए, वो कमर्शियल साइट्स होनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल है या फिर कोई इंडस्ट्री है या फिर कोई दुकान है। तो वहां से क्या होता है कि आपकी फर्म का नाम अपने आप ही चलने लग जाता है और वो भी बहुत ही कम खर्चे होते हैं। अब बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। फ्रेंड्स इस तरीके में क्या होता है कि इसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे तरीके हैं बट आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करनी है। व्हाट्सएप में आपको क्या करना है कि अपना एक जो है फर्म का एक स्टिकर तैयार करना है डिजिटली और उसको जो है शेयर करना है सभी जितने भी आपके सिटी के अंदर जो कमर्शियल जो साइट्स है वहां पे आपने इन्हें शेयर करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि शोरूम आ गए आपके, आपकी बड़ी बड़ी शॉप्स आ गई या फिर हॉस्पिटल आ गए, होटल आ गए, मैरिज जो पैलेस होते हैं वो आ गए, तो जहाँ पे शादियां वगैरह होती है, तो इस तरह से बहुत सारी जो साइटें होती है जहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल हमें मिल सकता है, कोचिंग सेंटर आ गए, तो इस तरह की साइटों पे आप जो है इन्हें शेयर कीजिए। ये नंबर जो है आपको जस्ट डायल से या गूगल से कहीं से भी मिल जाते हैं, तो वहां पर जो है आपने लिस्ट क्या करनी है और इन सब पे जो है व्हाट्सअप जो है करना है
तो फ्रेंड्स इससे ये होता है कि आपकी जो मार्केटिंग होती है वो एक अच्छे लेवल पे होती है। अब बात करते हैं पांचवें तरीके के बारे में और लास्ट तरीके के बारे में। फ्रेंड्स इस तरीके में क्या होता है कि आपको अपने जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके साथ टच में रहना होता है, एक अच्छी सर्विस देनी है आपने, और आपने टाइम टू टाइम जो है उनके टच में रहना है, उन्हें भूलना नहीं है। अगर आप उन्हें भूल गए तो वो भी आपको भूल जाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखने का। अगर आप ये सोचोगे कि जब जरूरत होगी वो कॉल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, आपने उनके टच में रहना है। अगर आप उनके टच में रहेंगे तो वहां से भी आपको जो है ऑर्डर मिले जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, आपने अपने पुराने कस्टमर्स के साथ जो है रिलेशन बहुत ही मजबूत और अच्छे बनाने हैं। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट जो है ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो तरीके मैंने आपको बताए इस वीडियो में वो आपको पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी भी तरह की सीसीटीवी से रिलेटेड कोई परेशानी है आपको, तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।